करता है उसके ढेर सारे उत्पाद है। मित्रों 1947 से देश चल रहा है, स्वतंत्र रूप से शासन चल रहे हैं, लेकिन अटल जी की सरकार बनने के बाद पहली बार नॉर्थ ईस्ट के लिए एक सेपरेट मंत्रालय बनाया गया, एक अलग मंत्री ने काम किया कि भाई ये रुपये देते हैं वहां पर बदलाव आना चाहिए, वहां के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। मैं मानता हूं अटल जी की सरकार अगर लंबे समय रही होती तो शायद जो काम सरदार पटेल के माध्यम से होना चाहिए था वो शायद उनके माध्यम से हो जाता। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा बल दिया था। 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और ये भी देखिए साहब, आप लोग तो मुंबई बैठे हो ना, लेकिन मनमोहन सिंह जी आसाम से चुनाव जीतते हैं, राज्यसभा में आते हैं, यानी इनके बिल्कुल पड़ोस में है नॉर्थ ईस्ट के, लेकिन उनको 2008 में याद आया कि नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई विजन डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया। वो विजन डॉक्यूमेंट पढ़ने में अभी 2012 आ गई, अभी पढ़ाई चल रही है, पहले लिखाई चली है, पढ़ाई चल रही है। अब ये पढ़ाई कब पूरी होगी और नॉर्थ ईस्ट का क्या होगा भगवान जाने। मित्र हिंदुस्तान को बिजली का संकट है, बिजली के संकट से हम जूझ रहे हैं, और पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रही है, और ऊर्जा का क्षेत्र है जिसका ग्लोबल वार्मिंग के साथ सीधा नाता है। एक अकेला नॉर्थ ईस्ट ऐसा है कि जहां पर पानी का प्रवाह इतने तेज है, अकेले नॉर्थ ईस्ट में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डाल दिए जाते हैं, तो आज ये जो पूरब है ना, अरुणाचल प्रदेश जो सूरज की पहली किरण लेकर के आता है और हम सबको रोशनी देता है, मुझे विश्वास है मित्रों कि हाइड्रो पावर पर अगर ध्यान दिया गया होता नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो पूरे हिंदुस्तान का अंधेरा दूर करने का सामर्थ्य अकेले नॉर्थ ईस्ट में। उनकी पूरी इकोनॉमी में कितना बदलाव आता, पानी उनके लिए एसेट बन जाता, लेकिन वही पानी आज उनके लिए संकट के रूप में जी रहा है।